बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लोकेटर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए DHA फिजिक्स लाहौर में एक कनाल का घर लेकर आया हूं, जिसे बहुत ही खूबसूरती से विक्टोरियन डिज़ाइन में तैयार किया गया। 5 बेडरूम हाउस है, जिसमें 2 बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पर और 3 बेडरूम्स को फर्स्ट फ्लोर पर डिज़ाइन किया गया। वीडियो देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के दौरान ही मैं पूरे घर की डिटेल्स और फिर उसके बाद प्राइस शेयर करूँगा। अब बढ़ते हैं घर के ओवरव्यू की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस घर का सराउंडिंग एरिया दिखा देता हूँ। ये है इस घर के बाहर का आउटर लॉन एरिया और ये है कार रैंप। ये मेन गेट का डिजाइन है। और इधर ये है कार पोर्च, जहाँ पे 2 बड़ी गाड़ियाँ बहुत ही इजीली पार्क की जा सकती हैं। कार पोर्च का सीलिंग डिज़ाइन सामने आप देख सकते हैं कि स्टोन्स का यूज़ करके बहुत ही खूबसूरती से अल्लाह लिखा गया है, जबकि इस घर में एंटर होकर लेफ्ट साइड पे इनर लॉन एरिया को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से घर की मेन एंट्रेंस है। और इधर लेफ्ट साइड पे आप आयते करीमा देख सकते हैं, स्टोन्स का यूज़ करके यहाँ पे इसको लिखा गया है। मेन गेट का डिज़ाइन, जिसको बनाने के लिए सॉलिड एशवुड का यूज़ किया गया है। और ये घर की एंट्रेंस है, जिसमें जैसे ही एंटर होते हैं ऊपर आप देख सकते हैं डबल हाइटेड लॉबी है यहाँ पर। और इधर राइट साइड पे आप बाहर कार पोर्च का व्यू देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा रिसेप्शन एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है, जबकि इस घर में एंटर हो के वेरी लेफ्ट पे घर के ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया को डिज़ाइन किया गया है। ये डोर है, जिसको ग्लास और येलो पाइन वुड के कॉम्बिनेशन से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं UBVC की विंडोज़ हैं और उसके आगे सिक्योरिटी ग्रिल्स को भी लगाया गया है। और ये है फायर किट, उसके ऊपर मीडिया वॉल। सीलिंग डिज़ाइन, ड्राइंग और डाइनिंग एरिया को कंबाइंड यहाँ पे रखा गया है। ये डाइनिंग एरिया, यहाँ पे भी स्लाइडिंग विंडोज को लगा दिया गया है। फ्लोरिंग यहाँ पे कंप्लीट वुडन टेक्सचर टाइल्स की गई है, देखने में ये वुडन लगती है लेकिन ये है नहीं। जो ड्राइंग एरिया है उसके एक्सेस के लिए ये रास्ता है, जबकि डाइनिंग एरिया के लिए यहाँ पे सेपरेट डिज़ाइन कर दिया गया रास्ते को, और यहीं से आप अपने किचन की एक्सेस भी ले सकते हैं। अब मैं आपको बाहर से लेके चलता हूँ घर के फर्दर प्लान की जानिब। ये डबल हाइटेड लॉबी है। आप घर में जैसे ही एंटर होते हैं लेफ्ट साइड पे ड्राइंग एरिया आ जाता है, जबकि थोड़ा सा आगे आके राइट साइड पे पाउडर रूम को डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे स्टेयर्स के नीचे आप देख सकते हैं कि जगह को किस तरीके से डेकोरेट किया गया है। ये पाउडर रूम है। सीलिंग डिज़ाइन, बिल्कुल सामने एल्यूमिनियम की विंडो है ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए, जबकि राइट साइड पे पोर्टा कंपनी का वॉल फिटेड कमोड। और लेफ्ट साइड पे काफ़ी बड़ी सी वैनिटी है और उसके ऊपर मिरर देख सकते हैं आप। ये है ग्राउंड फ्लोर का टीवी लाउंज। ये सीलिंग डिजाइन,
बिल्कुल सामने मीडिया वॉल और यहाँ पे फायर किट, उसके ऊपर पेल कंपनी का डीसी इन्वर्टर रिवर्सिबल एसी है, ये शैंडिलियर और ये फ्लोर पे आप डिजाइनिंग देख सकते हैं। राइट और लेफ्ट साइड दोनों जगह पे एल्यूमिनियम की विंडोज को डिजाइन कर दिया गया है। यहाँ टीवी लाउंज के बिल्कुल सामने डाइनिंग एरिया आ जाता है, जबकि यहाँ पर किचन को डिजाइन किया गया है। ये किचन की एक्सेस का रास्ता है। आप जैसे ही किचन में एंटर होते हैं आपके सामने यहाँ पे स्लैब आ जाती है जहाँ पे बर्नर को फिक्स किया गया है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं किचन हुड और कैबिनेट्स को डिजाइन किया गया है। यहाँ पे व्हाइट और वुडन कलर के, ब्राउन कलर के टेक्सचर के कम्बिनेशन से इसको डिजाइन किया गया है। और इधर जो स्लैब्स हैं उनको बनाने के लिए कोरियान का यूज किया गया, जिसको बेकालाइट भी कहते हैं। बिल्कुल सामने वॉश बेसन, लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रिक और माइक्रोवेव ओवन है। और इस वॉल पे आप देख सकते हैं कंप्लीटली इंपोर्टेड वॉलपेपर की फिक्सिंग, जबकि ये वो डोर है जो आपको डाइनिंग एरिया से कनेक्ट करते हैं। मजीद किचन में एंटर हो के राइट साइड पे हायर कंपनी का टू डोर रेफ्रिजरेटर आ जाता है और इसी के लेफ्ट साइड पे सर्विस किचन को डिजाइन किया गया है। अगेन यहां पे बर्नर है, उसके ऊपर किचन हुड, कैबिनेट्स, वॉश बेसन और यहां से आप गैलरी एरिया से एक्सेस ले सकते हैं अपने किचन की। टीवी लाउंज की बैक साइड पे यहाँ पे बेडरूम नंबर 1 है। यह है इसका सीलिंग डिजाइन। बिल्कुल सामने विंडोज आ जाती हैं, जबकि इस बेडरूम में एंटर होके राइट साइड पे बेड वॉल को डिजाइन किया गया है। ये सामने मीडिया वॉल है इस बेडरूम की और मीडिया वॉल के राइट साइड पे अटैच्ड वॉशरूम को डिजाइन किया गया है। अब वॉशरूम में जैसे ही एंटर होंगे ये यहाँ पे वैनिटी आ जाती है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक मिरर है। ये इसका सीलिंग डिजाइन, रॉयल कंपनी का एग्जास्ट फैन। थोड़ा सा और आगे आते हैं तो यहाँ पे ग्रोही कंपनी का वॉल फिटेड कमोड, उसके ऊपर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम की विंडो है ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ सामने शावर रूम को डिजाइन कर दिया गया। जबकि इस वॉशरूम में आप जैसे ही एंटर होंगे लेफ्ट साइड पे वार्डरोब है। इस बेडरूम से आप जैसे ही बाहर आएंगे यहाँ पे राइट साइड पे बेडरूम को डिजाइन किया गया, इसको आप मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं। आप जैसे ही इस बेडरूम में एंटर होंगे बिल्कुल सामने बेड वॉल आ जाती है और ये खूबसूरत सा सीलिंग डिजाइन। ये बेड वॉल है इस बेडरूम की और ये है सामने मीडिया वॉल, इंपोर्टेड वॉलपेपर की फिक्सिंग है यहाँ पे कंप्लीट। जबकि ये है अटैच्ड वॉशरूम, बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट सा वॉशरूम है।
सीलिंग डिज़ाइन। आप वॉशरूम में जैसे ही एंटर होंगे बिल्कुल सामने यहाँ पे जकूजी को फिक्स किया गया है। यह है वैनिटी, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक मिरर और उसके आगे वॉल फिटेड कमोड। और यह है शावर एरिया। जबकि इस वॉशरूम में एंटर होकर राइट साइड पे वार्डरोब को डिजाइन किया गया है। ये इसका सीलिंग डिजाइन भी देख लें। तो व्यूवर्स, इसी के साथ इस घर के ग्राउंड फ्लोर का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ओवरव्यू की जानिब। घर में एंटर होके थोड़ा सा आगे आके राइट साइड पे स्टेयर्स को डिजाइन किया गया है, जहां पे आप देख सकते हैं ग्रेनाइट का यूज किया गया है। और ये रेलिंग डिजाइन है। आप स्टेयर से जैसे ही ऊपर आते हैं, ऊपर आके बिल्कुल सामने फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर 1 आ जाता है, जिसमें बिल्कुल सामने बेड वॉल है इस बेडरूम की। सामने विंडोज हैं जहां से आप अपने टेरेस की एक्सेस ले सकते हैं। और यह है सीलिंग डिजाइन। ये मीडिया वॉल। यहां से फ्रंट टेरेस से भी मैं आपको व्यू दिखा देता हूं। वहां राइट साइड पे आप देख सकते हैं वाटर नल को फिक्स किया गया। और ये है सामने अटैच्ड वॉशरूम। इस वॉशरूम में जैसे एंटर होते हैं ये जकूजी है। और ये है इसका सीलिंग डिजाइन। और इधर सामने डबल वैनिटी। और ये है वॉल फिटेड कमोड। पूरे घर में ग्रोही कंपनी की वॉशरूम एक्सेसरीज को फिक्स किया गया है। और कमोड के बिल्कुल सामने शावर एरिया को डिजाइन किया गया है। और ये है वार्डरोब इस वॉशरूम की। आप स्टेयर से जैसे ऊपर आते हैं बिल्कुल सामने बेडरूम नंबर 1 आ जाता है आपके। जबकि स्टेयर से ऊपर आके राइट साइड पे फर्स्ट फ्लोर का फर्दर प्लान है। ये फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज, इसका भी सीलिंग डिजाइन देख लें। बिल्कुल सामने फायर किट है, उसके ऊपर मीडिया वॉल। जैसे ही फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज में एंटर होते हैं, आगे आके राइट साइड पे किचन को डिजाइन किया गया। ये किचन है, जहां पे लेफ्ट साइड पे बर्नर है, उसके ऊपर किचन हुड। और ये वॉश बेसन, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं स्लाइडिंग विंडोज दे दी गई हैं। और इस किचन की दूसरी साइड पे यहां पे एरिया को डिजाइन किया गया। इसको आप एज अ स्टोर रूम या चाहे तो लॉन्ड्री एरिया के लिए यूज कर सकते हैं। और ये है फ्रंट टेरेस। एक टेरेस मैं पहले आपको सामने से दिखा चुका हूं। और ये दूसरा टेरेस है।
और पूरे घर में इटालियन टाइल्स का यूज़ किया गया है। टीवी लाउंज के बिल्कुल सामने यहाँ पे आप अपने ओपन स्पेस की एक्सेस ले सकते हैं। यहाँ पे बारबेक्यू एरिया को डिज़ाइन कर दिया गया है और उसके आगे सिटिंग स्पेस भी डिज़ाइन की गई है। इधर भी सामने सिटिंग स्पेस देख सकते हैं आप। फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज की बैक साइड पे बेडरूम नंबर 2 है फर्स्ट फ्लोर का। ये सीलिंग डिजाइन, बेडरूम के अंदर ही वार्डरोब को डिजाइन किया गया है। जबकि राइट साइड पे ये बेड वॉल है इस बेडरूम की। और ये सामने मीडिया वॉल की राइट साइड पे ही अटैच्ड वॉशरूम को डिजाइन किया गया है, जिसमें आप जैसे ही एंटर होते हैं बिल्कुल सामने शॉवर एरिया आ जाता है। ये इसका सीलिंग डिजाइन है। यहाँ सामने कमोड और ये वैनिटी और उसके ऊपर मिरर। बेडरूम नंबर 2 से आप जैसे ही बाहर आते हैं यहाँ पे राइट साइड पे बेड नंबर 3 आ जाते हैं। आप इस बेडरूम में जैसे ही एंटर होते हैं बिल्कुल सामने बेड वॉल है इस बेडरूम की और ये है सीलिंग डिजाइन। यहाँ पे इस बेडरूम के साथ ओपन स्पेस को डिजाइन किया गया है। सामने वाटर टैप भी रखी गई है, आप चाहें तो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इस जगह को डिजाइन कर सकते हैं प्लांटेशन करके या जैसे मर्जी आप चाहें। और ये है सामने मीडिया वॉल, जबकि इस बेड वॉल की लेफ्ट साइड पे अटैच्ड वॉशरूम को डिजाइन किया गया है। यह है इसका सीलिंग डिजाइन। इस वॉशरूम में आप जैसे ही एंटर होते हैं लेफ्ट साइड पे वार्डरोब को डिजाइन कर दिया गया है। थोड़ा सा आगे आके जकूजी, बिल्कुल सामने शॉवर एरिया और यह है वॉल फिटेड कमोड। मजीद इस वॉशरूम में आप जैसे ही एंटर होते हैं वेरी राइट पे खूबसूरत सी वैनिटी है, उसके ऊपर मिरर देख सकते हैं आप। और इस बेडरूम से भी आप अपने ओपन स्पेस की एक्सेस ले सकते हैं। तो व्यूवर्स, इसी के साथ इस घर के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। मैं आपको लेकर चलता हूं इस घर के सर्वेंट क्वार्टर की जानिब। ये है गैलरी एरिया।
आउटर लेआउट पे ग्राफी की गई है यहाँ पे। अगेन वाटर टैप्स, गैलरी वॉल, और ये बेसमेंट है जहाँ पे एक सर्वेंट क्वार्टर है और एक स्टोर रूम है। नीचे फैमिली रह रही है इसलिए अभी मैं आपको विजिट नहीं करवा सकता हूँ। ये कार पोर्च है, कार पोर्च के बिल्कुल साथ ही यहाँ पे बेसमेंट में सर्वेंट क्वार्टर को डिज़ाइन कर दिया गया है जहाँ पे एक स्टोर रूम भी है। और ये है वॉशरूम, तो व्यूवर्स इसी के साथ इस घर का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। इस घर की जो डिमांडिंग प्राइस है वो 7,90,00,000 रुपये है। 7,90,00,000 रुपये इस घर की डिमांड है, प्राइस इसकी स्लाइटली नेगोशिएबल है। इसके अलावा फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इन फ्यूचर भी आपको मज़ीद खूबसूरत घरों की वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।